तो आज के इस वीडियो में हम जनरेट करेंगे ओशन स्पेक्ट्रम इन हुडनी 20.5 और उसको रेंडर करेंगे सोलारिस में विद कर्मा। ओके, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रिड लूंगा मैं क्योंकि मुझे एक स्पेक्ट्रम जनरेट करना है यहाँ पे। तो स्पेक्ट्रम जनरेट करने के लिए हमारे पास एक ग्रिड होनी चाहिए, उसको मैं काफ़ी इनलार्ज कर लेता हूँ, मे बी 1500 बाय 1500। ओके, एंड इसके बाद मैं इसमें सब स्टेप्स दूंगा, यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स इसके इनफ कर दूंगा, तो मैं इसको मे बी 700 बाय 700। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इनफ डिटेल हो गई है हमारी ग्रिड पे। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें लेना है ओशन स्पेक्ट्रम। तो इससे क्या करेंगे, हमारे पास इसमें सारी डिटेल्स होती हैं जैसा हमारे स्पेक्ट्रम होना चाहिए वो चीज़, लेकिन हम उसको विजुलाइज नहीं कर सकते सिर्फ इस पे क्लिक करके, क्योंकि विजिबल नहीं होता ऐसे। इसको विजिबल करने के लिए हमें चाहिए ओशन इवेल्युएट, ओशन इवेल्युएट। ओके, तो ये दो इनपुट हैं इसके पास, ये पहला इनपुट मांग रहा है ज्योमेट्री टू डिफॉर्म एंड सेकंड इनपुट मांग रहा है ओशन स्पेक्ट्रम। तो जैसे हम इसको देंगे यानी यहाँ पे देख सकते हैं डिफॉर्म इनपुट ज्योमेट्री, तो जो भी ज्योमेट्री आप यहाँ पे देंगे वो डिफॉर्म होगी अकॉर्डिंग टू ओशन स्पेक्ट्रम। ओके, तो मैं जस्ट इसको इनेबल करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमारी स्पेक्ट्रम होने वाला है। ये देखिए, अगर आप इसको प्ले करेंगे तो आपको रियल टाइम में प्ले भी हो जाएगा। ओके, किस डायरेक्शन में इसके क्या डायरेक्शन है इसकी विंड की वगैरह वगैरह। और अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे रेजोल्यूशन एक्सपोनेंट है 7 एंड ग्रिड साइज जितना आप इसको कम करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको टाइलिंग देखने को मिलेगी। ओके, एंड उतनी ही ज़्यादा आपको फ्रिक्वेंसी देखने को मिलेगी वेव्स के अंदर। एंड इसके बाद डेप्थ वगैरह है एंड ग्रेविटी है, टाइम ऑफसेट है, इसको आप ऑफसेट कर सकते हैं, टाइम स्केल है जितना फास्ट आप चाहें उतना कर सकते हैं, इसको 5 कर दूंगा तो ये थोड़ा सा और फास्ट हो जाएगा। ओके, सो लाइक दैट, तो मैं इसको 2 कर देता हूँ अभी के लिए। एंड देन हमारे पास विंड है, विंड की डायरेक्शन वगैरह है, अगर मैं इसको चेंज करूँ तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली चेंज भी हो रही है। देखिए आप, ये उस डायरेक्शन में जा रही है एंड देन ये भी इस डायरेक्शन में, तो इसको मैं चेंज करता हूँ 90 डिग्री, तो अब ये देखिए इस डायरेक्शन में जा रही है। ओके, एंड इसके बाद हमारे पास स्पीड है, विंड की स्पीड कितनी चाहिए हमें। ओके, तो उस हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं पैटर्न भी चेंज हो रहा है। ये देखिए, आई थिंक 9 और 8 समथिंग इज इनफ। एंड स्वेल स्वेलिनेस है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं चाहें तो। ओके, एंड यहाँ पे फेच किलोमीटर चॉप है, चॉप मीन्स जो भी आपकी हाईएस्ट पीक पॉइंट होगी वो चॉप होगा, जितना आप उसको हाईएस्ट पीक पॉइंट को चॉप को जितना बढ़ाते हैं वो शार्प होगा, ठीक है, एंड जितना उसको कम करेंगे वो स्मूथ होगा। तो मैं इसको इन बिटवीन 0.8 रखता हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास एम्पलीट्यूड भी है, एम्पलीट्यूड का स्केल जितना आप कम करेंगे वो उतनी ही कूल डाउन हो जाएंगी हमारी वेव्स, बहुत ही स्लो, एंड जितना आप उसको बढ़ाएंगे उतनी ही हमारी जो वेव्स हैं वो ऊपर उठेंगी, ठीक है, लाइक दिस। ओके, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे टाइलिंग हो रखी है, तो ये टाइलिंग अगर हम ऐसे रेंडर करने लगे तो ये बहुत ही बुरा लगेगा क्योंकि इसमें टाइलिंग बहुत ज़्यादा है, तो उससे बचने के लिए हम यूज़ करते हैं वेव इंस्टेंसिंग का। ओके, तो ये वर्क कैसे करता है, ये तभी वर्क करेगा जब यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स देंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट देता हूँ, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो या ऐड के थ्रू दे देता हूँ। ओके, एंड ऐड 1 पॉइंट, और आप अगर इसे देखें ध्यान से द सेंटर, यू कैन सी वी हैव सम काइंड ऑफ वेव्स हियर द सेंटर। ओके, ये देखिए, तो आप इसकी इंस्टेंसिंग की सेटिंग्स में जाके उसकी रेडियस वगैरह बड़ी कर सकते हैं, उसके एम्पलीट्यूड वगैरह कुछ छेड़ सकते हैं, जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। एंड मुझे क्या करना है, मुझे मल्टीपल पॉइंट्स देने हैं क्योंकि मुझे इसको थोड़ा रैंडमाइज करना है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करूंगा एंड यहाँ पे एक स्कैटर नोड लगाऊंगा। ओके, स्कैटर नोड लिया मैंने, और यहाँ पे जो मैक्सिमम रिलैक्स रेडियस है उसको फुल कर देंगे कि ये एक दूसरे से बिल्कुल मतलब इक्वली डिस्टेंस पे रहें, और मैं जितने पॉइंट्स बढ़ाऊंगा यहाँ पे मे बी 3000 पॉइंट्स में कर दूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके के हमारे पास पॉइंट है। यहाँ पे अभी भी कुछ जगहें हैं यहाँ पे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं, नाउ अब ठीक है। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई एंड मैं इसको मे बी 2500 ओके 2500 कर दिया। एंड अब यहाँ पे इसको मैं लगाता हूँ, अब देखेंगे तो नाउ यू कैन सी कि जो पैटर्न पहले बन रहा था जो कि एक अजीब सा दे रहा था लुक, तो वो अब चला गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे इसको चलाऊँ, नाउ यू कैन सी इट्स वेरी काम एंड लाइक लुक्स इन्फिनिटी। ओके, एंड अगर मैं इसको हटा दूँ तो वो टाइलिंग आपकी फिर से दिखने लगेगी जो कि काफी बुरी लग रही थी।
ओके, तो वापस से इसको लगाते हैं एंड देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है इंस्टेंसिंग के, आप इसको चाहें तो बढ़ा सकते हैं या नॉर्मली रखें, रोटेशन वगैरह दे सकते हैं, देना चाहें तो वेरियंस है रोटेशन में, इसको डिफॉल्ट ही रखते हैं, आई थिंक इसकी सेटिंग डिफॉल्ट ही रखते हैं, इतना कुछ हमें चाहिए नहीं। ओके, आई कैन सी, लुक्स गुड। एंड देन यहाँ पे हमारे पास है कुछ, अगर आप नॉइस वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो कहीं पे वो स्मूथ दे देगा, कहीं पे नहीं है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी इसमें, ठीक है। ओके, तो हमारे पास अभी भी बहुत सारा सरफेस ऐसा है जहाँ पे ज़्यादा ऊंची वेव्स नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको 0.6 कर देता हूँ एंड एम्पलीट्यूड में जाके इसको थोड़ा सा और मैं उठा दूंगा लाइक दिस। ओके, तो हमारे पास ये लाइक काइंड ऑफ सरफेस आ गया। अच्छा, ओके, ये देखिए। ओके, तो स्पेक्ट्रम हमारा जनरेट हो चुका है, अब इसको रेंडर कैसे करना है कर्मा में, सोलारिस में, तो वो देखना है। तो सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा हमें स्पेक्ट्रम को, और एक्सपोर्ट करने से पहले यहाँ पे आप देखेंगे, मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर लूंगा, तो एक्सपोर्ट करने से पहले यहाँ पे जो रेजोल्यूशन एक्सपोनेंट है उसको मैं 9 कर लूंगा, क्योंकि ये हमारी क्वालिटी को इनहेंस कर देगा रेंडर टाइम के अंदर। ओके, तो यहाँ पे मैं अगर नल लेता हूँ, और सॉरी पहले लूंगा फाइल कैश कैश नोड, और यहाँ पे यूज करेंगे नेम नोड, और यहाँ पे दे देंगे स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम हो गया हमारा। एंड देन यहाँ पे सिमुलेशन नहीं है, सिंगल फ्रेम करेंगे, ठीक है, हमें कुछ ज्यादा चला के देखना नहीं है, सिंगल फ्रेम कर लेंगे, वैसे भी काफी फास्ट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेव टू डिस्क, तो ये हो गया। एंड हमें चाहिए सरफेस, तो यहाँ पे मैं लूंगा नल एंड गेट यूज आउट सरफेस, और ये हमारा आउट स्पेक्ट्रम। ओके, तो इतना होने के बाद हम जाएंगे सीधा अब स्टेज लेवल पे, और यहां से भी इसको कर देंगे सोलारिस। ओके, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे हुड, नहीं प्रोसीजरल ओशन, तो ये हमारा सारा काम कर देगा, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जो कि हम पहले मंत्रा में करते थे, सारा मटेरियल बनाते थे, खुद के वॉल्यूम बनाते थे, फिर उसको अप्लाई कर, वो सब ये कर देगा, ठीक है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हमें यहाँ पे इसको ज्योमेट्री देनी है। तो यहाँ पे रेंडर ज्योमेट्री दो, सबसे पहले अपना आउट आउट सरफेस, ओके, ये दे दिया, तो आपको ज्योमेट्री मिल जाएगी आई थिंक, हाँ ये रही। ओके, एंड इसको आप नॉर्मल लाइट पे कर लो, दिस वन आई थिंक डोम लाइट ओनली, और ये नॉन, ओके इस पे कर लेते हैं, इसके बाद इसकी ग्रिड ऑन कर लो अगर कुछ समझ रहे हैं तो। ओके, तो हमारी ग्रिड आ गई है, एंड देन हमारी स्पेक्ट्रम फाइल भी इसको देनी है, तो यहाँ पे ज्योमेट्री के अंदर स्पेक्ट्रम फाइल भी है हमारे पास, ये रही स्पेक्ट्रम। ओके, एंड अब क्या करना है, वो उसी फ्रेम पे होना चाहिए जहाँ पे आपने कैश लगाया, वरना वो मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कस्प इंटेंसिटी, जो भी मतलब जो भी हाई पीक होगी उसकी इंटेंसिटी, मतलब वो कितना वाइट होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, मे बी 0.8 और समथिंग। और यहाँ पे बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, डॉम लाइट लेते हैं, इसको रेंडर करके देखेंगे, डॉम लाइट लिया मैंने, एंड इसमें टेक्सचर, एंड यहाँ पे है ये रहा हमारा मोमेंट, एंड अब इसको एक बार रेंडर करके देखते हैं किस तरीके से ये दिखेगा। एंड नाउ यू कैन सी कि हमारा मटेरियल तो एक तरीके से अप्लाई हो गया है इस पे, लेकिन और इन्वायरमेंट भी है हमारा, लेकिन यहाँ पे ये स्पेक्ट्रम हमारा विजिबल नहीं हो रहा अभी भी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कैमरा लूंगा मैं पहले। ओके, एंड यहाँ पे क्या होगा कि जितना भी एरिया मेरे कैमरे के अंदर होगा वो ज्यादा हाईलाइटेड मैं उसको करूंगा, एंड बाकी जो बाहर का एरिया होगा उसकी क्वालिटी कम होगी, एंड जो कैमरे के अंदर होगा उसकी क्वालिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो वो चीज इसके थ्रू होगी, हुडनी प्रोसीजरल के थ्रू, यहाँ पे आप रिपोर्ट क्वालिटी देख सकते हैं, तो ये एक्चुअली कैमरे के अंदर जितना भी पार्ट होता है उसकी क्वालिटी इंक्रीज कर देगा यहाँ से। तो अभी मैंने नॉर्मली कैमरा लगा लिया, एंड इसको मैं अभी हटा के दोबारा लेता हूँ न्यू कैमरा, और इसको लॉक ही है ये, ठीक है। एंड ओके, एंड यहाँ पे एक व्यू ले लेता हूँ काइंड ऑफ, कि वो अच्छा लगे थोड़ा सा देखने में। ओके, तो ये एरिया थोड़ा सा मुझे सही लग रहा है, यहाँ पे मैं कैमरा लॉक किया, एंड अब इसको रेंडर करेंगे, नाउ यू कैन सी इट्स लुक्स गुड, बट ओशियन स्पेक्ट्रम अभी भी नहीं आ रहा, मैं इसको हाइड कर देता हूँ यहाँ से ग्रिड को। एंड अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लूंगा मैं कर्मा रेंडर सेटिंग्स, ओके, एंड इसके बीच में लगाएंगे प्रीव्यू,
अब प्रीव्यू उडनी प्रोसीजरल्स, तो जैसे ही मैं इसको इनेबल करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा, बट ये आपको दिखाएगा कि आपके स्पेक्ट्रम को विजिबल करा देगा। ओके, व्यू पोर्ट के लिए सिर्फ, अदरवाइज अगर आप रेंडर करेंगे अभी और सेव करेंगे उसको, तो आपको वहां पे दिखेगा लेकिन व्यू पोर्ट में नहीं दिखेगा, लेकिन इससे व्यू पोर्ट में भी दिखेगा। ठीक है, उडनी प्रीव्यू प्रोसीजर्स, तो नाउ यू कैन सी इट्स लुकिंग गुड। ओके, एंड ये अब टाइलिंग में क्यों दिखा रहा है, आई डोंट नो, वापस से हमें चेक करना पड़ेगा एक बार कि ये टाइलिंग क्यों दिखा रहा है। यू कैन सी 41 एंड एक्सेप्ट। अब देखते हैं कि वो कैसे दिखाता है ओशन प्रीव्यू प्रोसीजर। ओके, कमिंग फाइन, आई कैन सी ये ज़्यादा हैवी नहीं होगा, लेकिन अभी जो हमें व्यू पोर्ट क्वालिटी अगर मैं बढ़ा दी तो ये काफ़ी सही लगने वाला है, छोटी छोटी डिटेल्स हमको इसमें दिखने लगेंगी, तो ये भी नॉर्मल है। ठीक है, अगर मैं कैमरा से बाहर भी जाऊँ, कैन सी अगर मैं यहाँ से इसको वापस करता हूँ, कैमरे से बाहर भी जा रहा हूँ तो ये सेम है ओवरऑल, लेकिन अगर मैं इसकी व्यू पोर्ट क्वालिटी यहाँ से 0.5 कर देता हूँ या 1 कर दूंगा, 1 तो ज़्यादा हो जाएगा, अभी 0.8 और 0.5 के बीच में रखते हैं, तो ये काफ़ी सही डिटेल्स देगा इसको, अभी देखेंगे आप। ओके, नाउ यू कैन सी जहाँ भी आपका कैमरे का फर्स्ट टाइम आपको दिख रही है वहाँ की डिटेलिंग ज़्यादा हो गई है, वहाँ पे कस्प वगैरह आपको देख सकते हैं, वाइट आ रहा है, काफ़ी सही आ रहा है। अगर मैं इसको 1 कर दूँ तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाएगा, आई थिंक। इसको मैं 1 कर देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं कि व्यू पोर्ट में उसकी क्वालिटी कुछ ज़्यादा ही दिख रही है। एंड अब वापस से कैमरा पे जाते हैं एंड अब एक रेंडर निकालते हैं, तो देखते हैं कितनी क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। एंड नाउ यू कैन सी कि कितना सही दिख रहा है ये चीज़। एंड ये जो आप रेडियस देख रहे हैं ये उसकी वजह से है, जो कि हमने वहाँ पे वेव इंस्टेंस की रेडियस को थोड़ा सा और बढ़ाना है, तो वहाँ से ये चीज़ सही हो जाएगी। ओके, लेकिन आप देख सकते हैं छोटी छोटी क्वालिटीज, छोटी छोटी डिटेल्स कितनी सही दिख रही हैं इसमें। ओके, जो कि एक इन्फिनिटी ओशन तक क्रिएट कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, तो इसी तरह से आप इन्फिनिटी ओशन क्रिएट कर सकते हैं, एंड आप जो भी सिमुलेशन आप क्रिएट कर रहे हैं, जो क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसा स्पेक्ट्रम आप जनरेट कर सकते हैं, रेंडर कर सकते हैं फिर कर्मा में। ओके, तो होप आपको वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं, या मुझे इंस्टा पे और डिस्कॉर्ड पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। एंड तब तक के लिए बाय बाय, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।